जो हमारे भाजपा नेता के घर में घुस के 31 दिसंबर आज यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी खतौली अलकनंदा नहर पुल पर। तो यहाँ पर एक सलीम था जो पहले से कई मुकदमों में वांछित था यहाँ खतौली में। इसने नए साल पे एक घर में घुसकर घटना की थी, उससे संबंधित यहाँ पर कार्रवाई की गई है। पूछा गया इससे तो इसने कई जगह पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमा होना स्वीकारा है। पुलिस के ऊपर इसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें इसको पैर में गोली लगी है और इसमें इसके पास से एक तमंचा और 3 लाइव कार्टेज, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल है। एक साथ ही इसका कहीं फरार हो गया जिसके बारे में इसने अभी नहीं बताया। इस पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी की जा रही है कहीं ये किसी थाने का हिस्ट्री शीटर अथवा वांछित तो नहीं है। इस पर किस तरीके के मुकदमे थे सर? इस पर लूट और छिनैती के मुकदमे हैं जो अभी तक बात प्रकाश में आई है। इसने रुड़की में एक सनसनीखेज वारदात की थी और बरेली में एक इंस्पेक्टर हैं उनकी वाइफ के साथ वहां पर घर में घुसकर उनके साथ घटना की थी जिसमें कई सारे रुपए जाने की बात प्रकाश में आई थी। तो लगभग कितने मुकदमे होंगे इसमें? इस पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं जो अभी तक पता लगे हैं, पर ये लगता है कि कहीं अन्य जनपदों से पता लगेगा तो इस पर कहीं और मुकदमे ना हो।